आज पूरे प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन किया है। इस दौरान सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी किए गए तीनों अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया गया। इसके चलते इंद्री की नगर पालिका के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रोष प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इसके बाद सभी लोग रोष मार्च करते हुए शहर के मेन बाजारों में गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के ही नहीं बल्कि व्यापारियों, आढ़तियों व मजदूरों के भी खिलाफ है। इन अध्यादेशों के लागू होने से बाजार में काला बाजारी बढ़ेगी, जिसका हर आदमी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार MSP पर फसल खरीदने से भाग रही है और इस बात को अपने अध्यादेशों में दर्ज नहीं कर रही है। मेहता ने कहा कि हुड्डा सरकार के शासनकाल के दौरान जीरी की कीमत 6000 रुपए क्विंटल तक हो गई थी, वहीं आज जीरी का कोई खरीदार नहीं है। किसान, व्यापारी, आढ़ती व मजदूर इस सरकार से परेशान है। उन्होंने इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसी नेता शुभकरण काम्बोज ने कहा कि ये तीनों अध्यादेश किसान की मौत का वारंट है। वहीं डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि ये तीनों अध्यादेशों के लागू होने से किसान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में ये अध्यादेश पहले से लागू है वहां किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। डॉक्टर नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से फेल है। उन्होंने हाल ही में हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप करने व रीढ़ की हड्डी तोड़ देने पर कहा कि सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज इंद्री हल्का में विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश से और प्रदेश में हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का वाइज क्षेत्र में ये किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और इस तरह ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो तीन बिल आए हैं यहाँ पर पिछले दिनों में जो पास किए गए, उनके विरोध में आज हम सभी यहाँ कांग्रेसजन इकट्ठे हुए हैं और सभी कांग्रेसजनों ने एक ही आह्वान किया है कि जो भी ये काले बिल आए हैं ये हमारे नहीं, ये किसानों के लिए तो हैं, ये मजदूरों के लिए तो हैं, ये खिलाफ आढ़ती भाइयों के लिए भी हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में काला बाजारी बढ़ेगी। आज इस बात की भी यहाँ चिंता की गई और आह्वान किया गया कि इस बातों को अपने अपने गांव में, गली मोहल्लों में लोगों के बीच में लेकर जाएं ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। और ये अपील भी की गई कि अगर ये बिलों में दोबारा से संशोधन हो, हमारे MSP की के लिए गारंटीड किया जाए और काला बाजारी ख़त्म करने के लिए जो ये स्टॉक का छूट दी गई उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए, इस बारे में आज यहाँ पर लोगों यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी कांग्रेसजन और सभी कांग्रेसजनों ने अपने अपने विचार इस तरीके से व्यक्त किए हैं इन तीन बिलों के खिलाफ। हाँ जी, शहर के अंदर प्रदर्शन अभी यहाँ पर, यहाँ नगर पालिका के यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, जैसा साथी सलाह देंगे उस हिसाब से चलेंगे। क्या है ये जो बिल पास हो गया है, इसमें संशोधन हो सकता है क्या? देखो, बिल तो पास भी होते हैं और ये भी तो संशोधन ही हुआ है, ये भी तो पिछले बिलों को संशोधन किया गया है। अगर सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है, सरकार तो हर तरह से मालिक होती है। क्या जो बिल लेके आ रही है किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, क्या है? किसानों डायरेक्ट तो किसानों के खिलाफ है, किसानों, मजदूरों के, आढ़तियों के, लेकिन जब ये जो स्टॉक वाला जो मामला है कि कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, जब वो स्टॉक करेगा फिर उसकी मर्जी होगी वो किस भाव में मर्जी बेचे, तो ये काला बाजारी होने के ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है। देखिए, आज जो सभी 90 हलकों में प्रदर्शन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, आढ़तियों के हक में, सेलर वालों के हक में, हर गरीब आदमी के हक में, जो सरकार ये अभी केंद्र सरकार तीन अध्यादेश लेके आई है, मैं तो उनको बोलता हूँ कि काले कानून है और किसानों के डेथ वारंट, मैं उनको बोलना चाहूँगा बार बार।
और उन कानूनों से क्या कि देश की 98% जनता प्रभावित होने वाली है। तो उसका कारण समझिए, किसान को तो सिर्फ MSP से ही डायरेक्ट उसको इम्पैक्ट करेगी, उसके बाद जब किसान के घर से मटेरियल चला जाएगा, सिर्फ 2-3 ग्रामों के पास वो माल होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि 20 रुपए वाला धान आपको 80 में मिलेगा, 100 में मिलेगा, 200 में मिलेगा। क्योंकि पीछे भी आपने बहुत सारी कंट्रीज में देखा है कि जब किसी भी चीज़ की मोनोपोली होती है 1-2 कंपनियों के पास, तो फिर जनता हाहाकार करती है। तो ये मुद्दा सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, अमीर गरीब सभी को इम्पैक्ट करने वाली है ये कानून। तो उसी को लेके आज प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, इंद्री में भी प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के जो भी किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप किसान के हक में, खुद के अपने हक में, क्योंकि अगर चीज़ें लिमिटेड से लोगों के कब्जे में रही तो आपको भी ये चीज़ें भारी पड़ने वाली हैं। तो किसान को बचाना होगा, तभी आप खुद बचेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करूँगा। जी निर्भर बोलते रहो। जी जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा सत्र पे, पूरे हरियाणा की 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर किसान मजदूर बचाओ कार्यक्रम रखा गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्षा, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, CLP नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम रहा। और इंद्री के अंदर पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप जी के नेतृत्व में हम सब ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अभी यहाँ से पूरी मार्केट में व्यापारी भाइयों से समर्थन मांगने के लिए हम निकलेंगे। और निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि 3 अध्यादेश जो इस सरकार ने पिछले दरवाजे से भूषण लोकसभा में लेके जाने का काम किया, और बिना सांसदों की रजा जाने इन्होंने उसको ज़बरदस्ती राज्यसभा के अंदर भी पास कराया, तो हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। निश्चित तौर पर ये किसान के अहित के अंदर है, मजदूर के अहित के अंदर है, और इस देश को ख़त्म करने वाला कानून। शुक्रिया। जो यूपी में घटना हुई है, हाथरस की घटना के बारे में क्या कहना है? देखिए, जो हाथरस घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। आप जानते हैं कि 2014 से लेके 2018 तक ही अगर हमारा वो सर्वेक्षण देखा जाए, उसमें पता लगता है कि अकेले भारत में 2014 से लेकर 2018 तक 1,75,000 रेप की घटनाएं हुई। उसके बाद कितनी घटनाएं हुई वो अभी ब्यौरा नहीं। और 18 मई 2017 का एक सर्वेक्षण बताता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी रेप घटनाएं हुई हैं उतनी उससे आज से पहले किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। और अब मोदी सरकार जिस दावे के साथ आई थी, वो ये दावा देके आई थी कि आपने देखा होगा जब मोदी सरकार नहीं आई थी 2014 से पहले एक ऐड चलती होती थी, उसमें बोला जाता था बहु बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इस सरकार के कार्यकाल में बहु बेटियों के साथ न्याय हो रहा है? अगर बहु बेटियों के साथ न्याय हो रहा है तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों बेटियों के साथ इतना घिनौने काम हो रहे हैं? क्यों उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं? क्यों उनकी लाशों को जलाया जा रहा है? क्यों उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती? क्यों तोड़ दी उसकी रीढ़? क्या उसके सीने में नहीं थी कोई पीड़? क्यों तोड़ दी उसकी रीढ़? क्या उसके सीने में नहीं थी कोई पीड़? ये सरकार क्या है? ये सरकार पता क्या काम करती है? इसके जैसे जितने भी अध्यादेश लेके आई है, सब कुछ लेके आ रही है, ये जो अपनी नीतियाँ अपना रही है, उसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, उनसे ज़रूर मिलो। बड़े सलीके के लोग हैं ये लोग, तो कत्ल भी करते हैं तो बड़े एहतराम से करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो हमें मार भी रही है और बड़े प्यार से धीरे धीरे मार रही है। तो वहाँ का DM भी धमकी दे रहा है कि मीडिया चला जाएगा, उसके बाद तो हम ही आए यहाँ पे, मीडिया को घुसने नहीं दिया गया वहाँ पे। तो वो मीडिया देखे ना, हमारी तो हम आम जन की शक्ति है। आपने, आपको पता है 1942 में जो क्या था, असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? ये अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। क्यों? पहले हम लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। तो अगर हमने लड़ना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया है, चाहे आम जन है, चाहे कोई भी है, मजदूर, किसान, जवान, मीडिया, हर एक को एक साथ होना पड़ेगा, तब हम इस सरकार का खात्मा कर सकेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।